बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। पहले उन्होंने आपका पहला सवाल था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे आय बढ़ेगी, बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब अपना काम चालू करती थी तो वो लालच देती थी राज्यों को, राजाओं को, कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, इतने सैनिक देंगे, सैनिक की आपको तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी, हमारी सेना आपका जब संकट आएगा तो हम काम करेंगे, और धीरे से कब्जा कर लेती। तो ये मोदी जी का षड्यंत्र कि किसानों की ज़मीनों पर कब्जा करवाने का उद्योगपतियों को, खासकर अडानी जी को, ये कोशिश है। अडानी जी के पास जितने साइलो है, सर्च करो आप सब, 80% साइलो जो वेयर हाउसिंग भंडारण की व्यवस्था है वो अडानी के पास है। जितने पोर्ट है देश भर में जितने पोर्ट है जहाँ से जहाज से आवक जावक होती है खाद्यान्न पदार्थों की, 80% अडानी जी के पास है। अब अडानी जी को मोदी जी चाहते हैं, आरोप है हमारा, अडानी जी को वो कैसे भी मंडी का एक्ट ला के उनकी प्राइवेट मंडियाँ डलवा दें, फिर खाद्यान्न पर उनकी पूरी एक तरह से मोनोपाली चालू हो जाए। और यही कारण है कि जब समर्थन मूल्य को लेकर सवाल इतने बड़े बड़े संसद में होने लगे, देश भर में आंदोलन हो रहा है, 900 पन्ने का एक्ट बना, एक लाइन ये नहीं है कि कैसे सुरक्षा होगी समर्थन मूल्य की, क्या जाता है एक लाइन लिखने में? इनकी नीयत ठीक होती तो सही होता। ऐसा ही मोदी जी पहले कहते थे कि मैं रेल प्राइवेट लोगों को नहीं बेचूंगा, बेची कि नहीं बेची? आपसे उत्तर प्रश्न पूछता हूँ, बेची या नहीं बेची? तो मोदी जी पे कितना भरोसा करे देश की जनता? मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिए क्या? मोदी जी ने कहा था कि इस देश के किसान की आय दुगनी करूंगा, की क्या? मोदी जी ने कहा था इस देश से महंगाई घटाऊंगा, घटाई क्या? मोदी जी ने कहा था कि चाइना से दो हाथ करूंगा, लाल आंखें करूंगा, की क्या? तो ये सवाल इसलिए जनता देश की पूछती है, मोदी जी पे भरोसा नहीं है लोगों, आपका सवाल वाजिब है, पर लोगों को मोदी जी पे अब भरोसा न बचा।